हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आ गए अपनी नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो का टॉपिक आप जैसे देख ही चुके होंगे, आज की वीडियो का टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट 2020 की। जो 2020 की बहुत इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं और जो रिसेंट में अपॉइंटमेंट्स रही हैं 2021 के जनवरी के शुरुआत में भी, उसको भी हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट। आप सबको पता ही होगा, बहुत सारे स्टेट्स के चीफ जस्टिस चुने गए हैं अभी उनके हाई कोर्ट्स के। सबसे पहले हमारे पास हैं तेलंगाना के। तो तेलंगाना के हाई कोर्ट के न्यू जो चीफ जस्टिस बनी है उनका नाम है हेमा कोहली। हेमा कोहली बनी है तेलंगाना हाई कोर्ट की न्यू चीफ जस्टिस। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट। सिक्किम हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस का नाम क्या है? सिक्किम हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस बने हैं, सिक्किम हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं जेके महेश्वरी। नेक्स्ट है हमारे पास, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस, गुवाहाटी आपको बताओ असम की बात हो रही है, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस बने हैं उनका नाम है सुधांशु धुलिया। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस का नाम है मोहम्मद रफीक। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। तो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस अभी रिसेंट में अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है पंकज मिथल। पंकज मिथल है जेएनके के न्यू चीफ जस्टिस। आप सबको पता ही होगा कि अब जेएनके हमारी स्टेट नहीं है बल्कि हमारी यूनियन टेरिटरी है, तो इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट है हमारे पास, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट। उड़ीसा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस का क्या नाम है? तो इनका नाम है मिस्टर एस मुरलीधर। नेक्स्ट है हमारे पास, मद्रास हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस। तो मद्रास की बात हो रही है तो चेन्नई की बात हो रही है यहाँ पे, इसका मतलब मद्रास हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस का नाम है संजय बनर्जी। संजय बनर्जी हैं जो मद्रास हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनी है। नेक्स्ट है हमारे पास, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो बने हैं उनका नाम है अरूप कुमार गोस्वामी। अरूप कुमार गोस्वामी जी हैं जो आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, उत्तराखंड के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं मिस्टर आर एस चौहान। आर एस चौहान जी हैं जो बने हैं हमारे उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस। ये काफी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट रही है, ये वाला जो 10th अपॉइंटमेंट है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इस क्वेश्चन को ढंग से याद कर लीजिएगा कि फर्स्ट डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी जो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के कौन बने? AIFF के जो फर्स्ट डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी हैं उनका नाम है अभिषेक यादव। अभिषेक यादव जी हैं जो बने हैं AIFF के नए जनरल सेक्रेटरी, डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। जो पिछले वाला हमने पढ़ा वो थे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के हेड जो बने थे, अब इसमें है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के। दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, वो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन था और ये है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के जो अभी न्यू हेड अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है संजय कपूर। संजय कपूर हैं जो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के हेड अपॉइंट करेगा ये। नेक्स्ट है हमारे पास, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। जो अभी रिसेंट में नए डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर बने हैं उनका नाम है उमेश सिन्हा। और सबको ये तो पता ही होगा कि जो हमारे
चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के, उनका नाम है सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट हमारे पास है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ सेल। तो जिन जिनको नहीं पता है ये सेल क्या है, तो सेल की फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटीज इंडिया लिमिटेड। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ स्टील अथॉरिटीज इंडिया लिमिटेड, तो इनका नाम है सोमा मुंडल। सोमा मुंडल जी को बनाया गया है सेल का नया हेड। नेक्स्ट है हमारे पास, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ द रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के नए हेड कौन बने हैं, तो इनका नाम है सुनीत शर्मा। ये बहुत ही रिसेंट अपॉइंटमेंट है, 2021 के जनवरी के अपॉइंटमेंट है ये, तो ये काफी पेपरों में देखी जा सकती है और काफी हेल्पफुल रहेगा ये क्वेश्चन, तो ये याद रखिए। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के नए जो हेड बने हैं उनका नाम है सुनील शर्मा। एक नाम आपको और दिख रहा होगा इधर, मिस्टर वीके यादव, तो इनका नाम भी याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो 2020 में पिछले साल तक जो हमारे पास रेलवे बोर्ड के हेड थे उनका नाम है वीके यादव। ये बात जरूर याद रखिएगा कि 2020 तक जो अपॉइंट किए गए थे रेलवे बोर्ड के हेड उनका नाम था वीके यादव, और अब जो रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई है नए हेड ऑफ रेलवे बोर्ड की उनका नाम है सुनीत शर्मा। तो नेक्स्ट है हमारे पास, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो इनका नाम है शांतनु दयाल। शांतनु दयाल जो है वो बने हैं आर्मी के न्यू डेप्यूटी चीफ। नेक्स्ट है हमारे पास, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डीजीपी। डीजीपी ऑफ अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार में जो नए डीजीपी बने हैं उनका डीजीपी बने हैं उनका नाम है सत्येंद्र गर्ग। मिस्टर सत्येंद्र गर्ग हैं जो बने हैं डीजीपी अंडमान निकोबार के। तो इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं सब्सक्राइब करा है। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी फेवरेट टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं जो आपका टॉपिक पसंद हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।